यहाँ पे इफ यू कैन सी व्हाट इज मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट इज डेफिनेशन में अगर हम उसके जाएं तो मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली थ्रू एंड विद अदर पीपल. ठीक है, दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. और ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन कोई ऐसे नहीं है जिस तरह आप बिजनेस लॉ के डेफिनेशन करते हैं तो वो सेक्शंस के अकॉर्डिंग है. मैनेजमेंट की डेफिनेशन डिफरेंट राइटर्स डिफरेंट तरीके से बताते हैं. तो आपके बुक में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट में है और इस चैप्टर में भी है वो ये सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन मैं समझती हूँ है मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. ये मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपना काम लें, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. और उसको कैसे लें, उसको इफेक्टिवनेस के साथ लें और एफिशिएंसी के साथ लें. किससे लें, थ्रू एंड विद अदर पीपल, लोगों से लेंगे और लोगों के जरिए ही लेंगे. अब यहाँ पे आपके चैप्टर में नेक्स्ट डिटेल में इन तीनों के बारे में बताया हुआ है, दोनों के बारे में, ये जो एफिशिएंसी है एंड इफेक्टिवनेस है. ठीक है, एफिशिएंसी क्या होती है जी, यहाँ पे आपके सामने मेंशन है, एफिशिएंसी इज डूइंग थिंग्स राइट, मींस गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फ्रॉम द लीस्ट इनपुट. एफिशिएंट मैनेजर उसको कहेंगे जो बहुत कम वक्त में, बहुत कम पैसे में, बहुत कम लोगों से बहुत अच्छा काम ले सके, बहुत ज्यादा काम ले सके. दिस इज व्हाट एफिशिएंसी मींस, कि वो चीजों को जाया किए बगैर कम से कम इनपुट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे सके, ज्यादा से ज्यादा वो उसका रिजल्ट दे सके. दिस इज व्हाट एफिशिएंसी. सेकंड इज इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस क्या है, इफेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट थिंग्स. अब ये क्यों जरूरी है, टू अटेन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. अब कोई बहुत अच्छे से काम करे, बहुत थोड़ा पैसा लगाए, थोड़े लोग लगाए, थोड़ा वक्त लगाए, लेकिन वो काम जो वो कर रहा है वही ठीक नहीं है, तो फिर वो इफेक्टिव नहीं है. उसकी इफेक्टिवनेस के लिए ये जरूरी है कि ही शुड डू द राइट थिंग्स, ही शुड नो व्हाट ही कैन डू, व्हाट ही इज रिक्वायर्ड टू डू, फॉर ऑन विच सीट, व्हाट इज हिज रिक्वायरमेंट. ठीक है, what is the task which is given to him and how that task can be performed in a very concise manner, right? So this is what effectiveness is, doing the right things and to attain the organizational goal. Yahan next dekhiye agar aap slide pe, to this is what effectiveness and efficiency in management. Ab kaise is pure ko aap achieve kar sakte hain. Efficiency are the means. Means होते हैं जराए. जराए means के from where you can get a good management. By using these things, you can get the best management. अब means resource uses. Resources क्या होते हैं, हमारी organization में हमारे पास resources क्या होते हैं, हमारे पास लोग होते हैं, हमारे पास पैसा होता है, हमारे पास building होती है, हमारे पास time होता है, हमारे पास नॉलेज होता है. ये सब चीजें क्या हैं, ये हैं रिसोर्सेस. तो एफिशिएंसी ये है कि इन तमाम रिसोर्सेस का कम से कम वेस्ट किया जाए, लो वेस्ट मींस इनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल तो किया जाए लेकिन इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि वेस्टेज शुड बी वेरी लो. और जैसे जैसे उसका लो वेस्टेज होगा, जितना कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए ए मैनेजर कैन गेट हाई अटेनमेंट, हाई गोल अटेनमेंट, so it means he is effective. So efficiency and effectiveness together makes a good management. Management strives for the low resource waste means high efficiency, and high goal attainment means high efficient effectiveness. So a manager should be efficient and effective at the same time, right? He should use the lowest means to find the greatest ends. Like इसके सान में अगर आपको इसकी एग्जाम्पल देना चाहूँ तो जो काम उसको पांच लोगों से लेना है, उसको पांच लोगों को सैलरी देनी है और वो पांच लोग अपना लैदा लैदा उनके साथ उसको कॉन्टेक्ट करना है, वो काम वो एक बंदे से ले सकता है और उस एक बंदे को वो तमाम रिसोर्सेज दे के जो कि उसके उस काम में, लाइक उसको कंप्यूटर दे दें, जो काम हमारा कंप्यूटर कर सकता है, तो थोड़ा सा मैनुअल वर्क से थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक काम की तरफ अगर आ जाएं तो इसका मतलब है मैनुअल रिसोर्स कम इस्तेमाल हो रहा है. इसी तरह अगर कोई मैनेजर चार दिन के काम को दो दिन में कर लेता है तो दिस इज व्हाट एफिशिएंसी. अगर कोई मैनेजर पांच लोगों के ग्रुप के
से काम लिए बगैर अगर कोई मैनेजर वही काम दो बंदों से ले लेता है, मीन्स ही इज एफिशिएंट. तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस टुगेदर मीन्स ए गुड मैनेजमेंट, राइट. अब मैनेजमेंट के अंदर ये चार फंक्शंस होते हैं. व्हाट द मैनेजमेंट इज, आपका नेक्स्ट टॉपिक है ना, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. अब आपने जो जो कुछ मैंने आपको यहाँ बताया है, ये सब पैराग्राफ अगर आप इसको डिटेल में पढ़ें तो थोड़ा सा, खैर मैं आपको पढ़ देती हूँ, यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. कि एफिशिएंसी इज टू डू द टास्क करेक्टली, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स. यही इनपुट्स और आउटपुट्स जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है ना, लुक दीज आर इनपुट्स, मीन्स आर व्हाट इनपुट्स एंड एंड्स आर व्हाट आउटपुट्स. तो it is a relationship between inputs and outputs. If a manager gets more output of a given input, so he is efficient. to ye cheez yahan wo aapko samjhane ki koshish kar rahe hain, but it is not enough to be efficient only. there may be a situation when a manager may save the resources by losing his goal. to avoid such a case, note that management is also concerned with completing activities. to get goal is ability and essential result of good management. so effectiveness भी चाहिए. effectiveness क्या होती है? effectiveness means doing the right task. the doing of right task automatically translates into goal achievement. so management is all about to do the right work at the right time with the right people and in a right manner. nothing is required to be wrong. nothing is required to be overused. so management is all about this. यहाँ पे आपके दो goals इन्होंने points में लिखे हुए हैं. के यही इफेक्टिवनेस ऑफ एफिशिएंसी जो मैं आपको बता रही हूँ. इफेक्टिवनेस अगर अच्छी होगी किसी मैनेजर की, सो ही विल अटेन द गोल. और एफिशिएंसी अगर किसी की अच्छी होगी, सो इट विल हैव ए वेरी लो यूजेज ऑफ ऑल द थिंग्स. तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस टुगेदर मेक ए गुड मैनेजमेंट. इसीलिए आपके बुक में यहाँ सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि गुड मैनेजमेंट इज हाई एफिशिएंसी एंड हाई इफेक्टिवनेस. poor management is inefficiency and ineffectiveness or effectiveness through inefficiency. ye dono mein se kisi ek ke sath kaam nahi chalega management mein. management needs to both, theek hai, both of them. management needs both of them. ab next aapka jo yahan pe topic hai, that is about the functions of management. aur functions of management mein ye hai ki ye wala bahut detailed topic hai, ye main aapko last time karwaungi. अभी आप जरा यहाँ पीछे चलिए तो मैनेजेरियल लेवल्स हैं यहाँ पे के हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन ए मैनेजमेंट इन इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी बुक में नहीं बने हुए हैं, ठीक है. तो ये एक्स्ट्रा चीजें स्लाइड्स का हमें फायदा ये हो जाएगा इंटरनेट का कि हम वो चीजें भी पढ़ पाएंगे जो आपकी बुक्स में नहीं है. और होता ये था लास्ट ईयर्स में कि ये चीजें मैं बच्चों को अलहदा से नोट्स में देती थी, तो यहाँ आपको फायदा ये हो गया कि एवरीथिंग इज देयर इन द स्लाइड. तो यू कैन सर्च इट एंड यू कैन read it from everywhere in the internet. So what are different managerial levels? yahan pe aapke samne ek pyramid bana hua hai. number 1 level is of top manager, number 2 is of middle managers, and number 3 is of first line managers, and number 4 non managerial employees. theek hai, dusre words mein agar aap soche isko, agar main aasan lafzon mein batau to top managers are the upper management, middle managers and first line managers are the middle management, and the last one non managerial employees are the lower management. so in the top managers there are chief executive officers, there are board of directors, there are lot many people who are running that organization. and in the middle managers and first line managers are those employers, theek hai, these are actually the employers जो के किसी ऑर्गेनाइजेशन को लर्न कर रहे होते हैं, बट दीज आर व्हाट द टॉप मैनेजर्स ऑफ दैट मिडिल मैनेजर्स, लाइक द मैनेजर ऑफ एनी ब्रांच. ठीक है, मैनेजर ऑफ एनी ब्रांच इज हु, ही इज नॉट द ओनर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, ही इज रनिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड इज बीइंग पेड फॉर दैट. तो मिडिल मैनेजर्स एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स आर दोज हु आर डूइंग देयर टास्क विच आर ऑफरिंग टू देम फॉर विच दे आर पेड फॉर. okay, then there is non-managerial employees. non-managerial employees are actually those employees jo management ke kaam to nahi karte lekin wo thode lower level ke kaam kar rahe hote hain, like unka jo sabse lower star hai, that is what the non-managerial employees. theek hai,
वो लोग क्या कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली वहां पे जो डेली वेजेस के लोग हैं ये लोग वो कर रहे होते हैं. नॉन मैनेजर इम्प्लॉयज आर दोज पीपल हु आर एट द डेली वेजेस और हु मे नॉट बी एट द डेली वेजेस बट दे मे बी वर्किंग वेरी सिंपल टास्क. लाइक आप आसान लफ्जों में अगर समझे तो ये टेक्निकल लोग होते हैं थोड़े से, जिनका काम वो टेबल वर्क नहीं होता, जो कि ऑपरेशंस में जिनका काम ज्यादा होता है वो नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉयज उनको कहा जाता है. सो हेयर यू कैन सी द एग्जैक्ट मीनिंग्स ऑफ दीज फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, मिडल लाइन मैनेजर्स एंड टॉप मैनेजर्स कौन होते हैं ये. तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं जिनको कन्फ्यूजन्स थी. Individuals who manage the work of a non-managerial employees are the first-line managers. Individuals who manage the work of a first-line managers, those are the middle managers. And individuals who are responsible for making organization-wide decisions and establishing plans and goals that affect the entire organization. So, यहाँ पर top managers कौन हुए? Top managers दरअसल उनका सबसे ऊपर वाला staff जो कि उस organization के बारे में decisions करता है, पूरी organization के plans set करता है, वो top managers हैं. और मिडिल मैनेजर्स वो हैं जो फर्स्ट लाइन मैनेजर से काम लेते हैं, लाइक के टॉप मैनेजर के बाद और फर्स्ट लाइन मैनेजर से पहले, जिन्होंने ये डिसाइड करना होता है कि हमने लोगों से काम कैसे लेना है, जिन्होंने ये डिसाइड करना होता है कि ये काम अगर इनको दिया गया है तो ये काम इनको करना कैसे है. इंडिविजुअल्स हु मैनेज द वर्क ऑफ अ फर्स्ट लाइन मैनेजर इज आर कॉल्ड मिडिल मैनेजर्स. एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन होते हैं? दीज आर द इंडिविजुअल्स हु मैनेज द वर्क ऑफ नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉइज. नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज कौन लोग होते हैं? जो कि डेली स्टाफ, मतलब जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज में, टेक्निकल एक्टिविटीज में ज्यादा होते हैं, जिनका काम थोड़ा पेपर वर्क का नहीं होता, जिनका थोड़ा सा काम ऐसा होता है कि जो कि फिजिकल ज्यादा होता है, तो वो लोग ज्यादा फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हम उनको कहेंगे. राइट, अब आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी कि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, मिडिल मैनेजर्स एंड टॉप मैनेजर्स.